हाय ऑल, आजकल कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ जो एमसीक्यू में। मैं ये बोल रही हूँ कि तीन सेट अगर बोर्ड में आ रहे हैं तो उनमें एक सेट में ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो मैं कवर करने वाली हूँ। यूट्यूब पे मेरे श्योर शॉर्ट के नाम से अलग से प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के आपको मिलेगी। अभी मैंने इस पे वर्क करना स्टार्ट किया है और आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एक्सटर्नल में मिलेंगे ही मिलेंगे, आप ये बात ध्यान रखिएगा। और एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इनको बहुत जल्दी करना है, जल्दी इन द सेंस कि हमारे पास हार्डली हाफ मिनट में कहेंगे कि हम वन और टू मिनट्स में भी ये क्वेश्चन अगर उससे पहले हो जाए तो वेल एंड गुड। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट है, आना ही आना है। यहां जो मैंने ये क्वेश्चन लिया है उससे दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो वो दोनों चीज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। देखिए सुनिए, ये इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड रुपीज 100 शेयर, 100 रुपए का शेयर था। देखिए जी, कभी भी क्वेश्चन आए पहले देखिए कि रुपीज में अमाउंट गिवन है, आपको नंबर्स में गिवन है, बहुत मैटर करता है इससे, ठीक है। 100 रुपीज का आपका शेयर है और उन्होंने क्या बोला है कि इशूड है 20% प्रीमियम, यानी आपने इसे 120 रुपीज में इशू किया होगा, ठीक है जी। अब नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल ऑफ रुपीज 30 एंड 10, तो 100 रुपए का शेयर भी है और 30 रुपए और 10 रुपए हमें फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल पे नहीं आए। ध्यान से सुनिएगा, हमारी क्या इंस्टॉलमेंट होती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट बताइए हमको 30 रुपए की, ये बताइए 40 रुपए की, इसका मतलब ये पूरा शेयर 100 रुपए का, सॉरी ये पूरा आपका 60 रुपीज का होगा क्योंकि प्रीमियम तो एक्स्ट्रा होता है, तो वो हमारे टोटल 100 रुपीज बनेंगे। पहले तो डिवीजन आपको आना चाहिए कि 100 रुपए का शेयर है, 120% प्रीमियम पे बोला हुआ है तो 120 पे गया, प्रीमियम को हमें कंसिडर नहीं करना है, क्यों, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हमारी हुई रुपीज 60 रुपीज की, यानी हमारे पास 30 और 10 40 रुपए हमारे पास नहीं है, 60 रुपए हमारे पास आए हुए हैं। मिनिमम प्राइस एट विच दीज शेयर्स कैन बी री इशू, अब ये आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आपको कितने रुपए में आप इन शेयर्स को री इशू कर सकते हो। री इशू करने के लिए ना मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम कितना लॉस बियर कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, ये रुपीज 100 के जो शेयर्स थे हमने फॉरफिट कर लिए, इसमें हमारे पास 60 रुपीज आए हुए थे और हमारे पास 40 रुपीज नहीं आए हुए थे, जो नहीं आए हुए थे हमारे पास कॉलिंग एरर हुआ इसलिए हमने इन्हें फॉरफिट किया, तो 60 रुपीज आए हुए हैं ना, 100 रुपए का शेयर है ना, 100 रुपए में 60 रुपए अगर तुम्हारे पास आए हुए हैं, 40 तुम्हारे पास नहीं आए हुए हैं, तो जो पैसा आपके पास नहीं आया हुआ है, मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस का मतलब क्या है कि हम एटलीस्ट दीज शेयर्स कैन बी इशूड एट दिस रेट, यानी 40 रुपए में हम री इशू कर सकते हैं, 60 रुपए तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये मिनिमम प्राइस है, वो हम 40 में करें, 50 में करें, 60 में करें, लेकिन मिनिमम प्राइस एट विच दीज शेयर्स कैन बी री इशूड, हम मिनिमम प्राइस 40 रुपए से कम पे हम री इशू नहीं कर सकते, 40 रुपीज से कम, क्यों, क्योंकि 60 हमारे पास आए हुए हैं, वो जो हमारा 60 का ये शेयर की जो वैल्यू है वो हमारे फॉरफीचर से कवर हो जाएगी, मिनिमम प्राइस 40 रुपीज रहेगा। ये तो हुआ इस एमसीक्यू का। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो, जितना पैसा आपको रिसीव हो चुका है, तो आप 60 रुपीज तक का डिस्काउंट आप दे सकते हो, क्योंकि 100 रुपए का शेयर था ना, 100 रुपए का आपका शेयर था, 40 रुपए पे आप इशू कर रहे हो, तो इसका मतलब 60 रुपीज का आप पार्टी को डिस्काउंट दे रहे हो। अब एमसीक्यू इस मिनिमम मैक्सिमम डिस्काउंट पे भी पूछा जा सकता है, मिनिमम री इशू प्राइस पे भी पूछा जा सकता है, ये दोनों फंडा आपसे पूछे जाते हैं और ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, या तो आपको मिनिमम प्राइस कितने पे री इशू होगा या मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके तीन सेट आने हैं बोर्ड में, तीनों में किसी में आपको मिनिमम और किसी में मैक्सिमम, ये कॉन्सेप्ट पूछा ही जाएगा शॉर्ट शॉर्ट। नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, करेंगे तो ये आएगा। थैंक यू।